हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में। दोस्तों, जैसा कि वीडियो के थंबनेल देख के आप जान चुके होंगे कि आज मैं आप लोग इस वीडियो में क्या बताने वाला हूं। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, कल एक हम वीडियो अपलोड किए थे अपने चैनल पर कि अगर आप RNFI से आप जुड़ना चाहते हैं तो उसमें आपको अब रिटेलर फॉर्म फिल नहीं करना होगा। जी हाँ फ्रेंड, आप सही सुन रहे हैं। अगर आप RNFI का रिटेलर ID लेना चाहेंगे तो उसमें आपको रिटेलर का जो फॉर्म होता था 4 पेज का, वो फिलअप नहीं करना है। जी हाँ फ्रेंड, तो उसके बारे में मैं इस वीडियो को बताने वाला हूँ। जी हाँ फ्रेंड, अगर आप RNFI का रिटेलर आईडी लेना चाहते हैं तो आपको केवल कौन कौन सा डॉक्यूमेंट देना होगा, मैं आपको वो सब इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पास में बेल आइकन मिलेगा, उसे भी प्रेस कर दिए। जी हाँ फ्रेंड, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हम अभी यहाँ RNFI के पार्टनर आईडी में लॉगिन हो गए हैं। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप अभी RNFI का रिटेलर आईडी लीजिएगा तो इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना होगा। जी हाँ फ्रेंड, और अगर आप RNFI का रिटेलर आईडी सबसे कम दाम में लेना चाहते हैं तो आप हमसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, कल हम एक तो वीडियो बनाए थे जो RNFI की तरफ से अपडेट आया था कि बिना रिटेलर फॉर्म फिल किए आप RNFI का रिटेलर आईडी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि अगर आप अभी RNFI का रिटेलर आईडी लीजिएगा तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना होगा। चलिए दोस्तों, आप यहां देख सकते हैं, मैं आपको भी दिखाता हूं। तो फ्रेंड, अगर आप अभी RNFI का रिटेलर आईडी लेते हैं तो इसमें आपको केवल देखिए दोस्तों क्या क्या डॉक्यूमेंट देना है। पहला दोस्तों, आपको पैन कार्ड देना होगा। जी हाँ दोस्तों, पैन कार्ड देना होगा क्लियर सा, और यहाँ सेल्फ अटेस्टेड। जी हाँ फ्रेंड, नीचे आपका सिग्नेचर होना चाहिए इस टाइप से। अगर अभी आप फोटोकॉपी नहीं करा सकते हैं तो एक व्हाइट पेज के नीचे सिग्नेचर करके उसके ऊपर पैन कार्ड रख के भी हमें सेंड कर सकते हैं। चलिए मैं उसको भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, अगर आप फोटोकॉपी अभी नहीं करा पाएगा तो आपको सिंपली ऐसे करना है, एक व्हाइट पेज लेना है, उसके नीचे आपको सिग्नेचर कर लेना है और उसी के ऊपर अपना पैन कार्ड रख के उसके ऊपर एक फोटो क्लिक कर लेना है। जी हाँ फ्रेंड, इसी टाइप से आपको आधार कार्ड का भी करना है। पहले आप नीचे सिग्नेचर अपना कर लीजिएगा, उसी के ऊपर आधार कार्ड का फ्रंट साइड रख के फोटो क्लिक कर लीजिएगा और सेम आधार कार्ड का बैक साइड भी रख के फोटो क्लिक कर लीजिएगा। और दोस्तों, आपको सेम डॉक्यूमेंट हमें सेंड करना होगा और आपको आईडी पासवर्ड करके फुली एक्टिवेशन के साथ आपको दे दिया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, सबसे नॉर्मल चार्ज में। तो दोस्तों, मैं आज आप लोग इस वीडियो में यही बताने वाला था। जी हाँ फ्रेंड, अगर आप RNFI का डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेना चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, अगर आप RNFI का सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेना चाहते हैं तो वो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। जी हाँ फ्रेंड, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच पाए। जी हाँ फ्रेंड, अगर आप अभी तक RNFI के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन को चेक जरूर करें। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।